जस्सी जैसी कोई नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे अंकल और मैं ऐसे लोग हैं जो एक ही फ्लाइट से थक जाए? चलो अब दिल खोल कर मुझे बताओ तुम्हारे और अरमान के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ है। यस स्वीटहार्ट, तुम देख लेना, मैं उस नालायक के कान खींचकर तुम्हारे सामने पेश करूंगा। वो जानता नहीं वो कितना लकी है कि तुम जैसी लड़की उसके साथ शादी करने के लिए राजी हुई। अंकल, लकी तो मैं भी अपने आप को मानती हूँ कि मुझे अरमान मिला है, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझता हमारा रिश्ता अलग है। वो मुझे दूसरों की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। क्या किया उसने? आंटी, मैं अरमान की दोस्त हूँ ना, उसकी पार्टनर भी उसे कई सालों से जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल ऐसे लगता है जैसे मैं उसकी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती। क्या कोई और? बस ऐसे ही समझ लीजिए अंकल। अरमान ने मेरी बेइज्जती की, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने परी को डांटा तब भी मैं चुप रही। माना परी उसकी सेक्रेटरी है, लेकिन मेरी दोस्त भी तो है ना। उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती नहीं हुई, लेकिन मैं अरमान को कुछ कह ही नहीं सकती क्योंकि वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। आजकल तो अरमान सिर्फ एक ही इंसान की बात सुनता है, उसी की एडवाइस देता है। पता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मुझसे शादी करने से पहले एक बार वो जस्सी से जरूर पूछ लेगा। और नहीं तो क्या, आज से पहले गुलमोहर हाउस में किसी सेक्रेटरी को प्रमोशन मिला। सेक्रेटरी को प्रमोशन? उस चुहिया सी सेक्रेटरी ने पता नहीं क्या जादू कर दिया अरमान पर। वो उसे असिस्टेंट बनाना चाहता है। वाह, यू बिलीव दैट अंकल? में होने तक मुंह नहीं खोलेगी। बेटे, जब मैं कुछ सही काम करने जा रही हूँ तभी मेरा दिल कुछ और क्यों कह रहा है? मेरा सही कदम गलत साबित तो नहीं होगा ना? अब तुम चुपचाप आराम कर, सो जा। राई का पहाड़ न बना। जिंदगी में, दफ्तर में हर दूसरे दिन ऐसी मुश्किलें आती हैं। हर बार इतना परेशान रहेगी तो तेरे सपने पूरे होने से रहेगी। फिक्र नहीं करते बच्चे, कल सुबह बुखार उतरेगा, पेट का दर्द कम होगा, तो अपने आप सही रास्ता दिखाई देगा। क्या समझी? यार राज, टेल मी। ओके, आई विल टेल यू। परी तुम मेरी आदत बन चुकी हो। जब मैं आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ तुम्हें देखता हूं, और मैं आंखें खोलता हूं तो मेरी आंखें तुम्हें तलाशती। और तुम हो कि मुझे फोन तक नहीं करती, एसएमएस नहीं करती। ऐसा क्यों? राज, स्टॉप इट, बिहेव योरसेल्फ। कितना फ्लर्ट करोगे तुम मेरे साथ? हां, अब प्यार करने वाले फ्लर्ट नहीं करेंगे तो फिर? ओह माय गॉड, तुम बीमार तो नहीं राज? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम किसी को एक्सपेक्ट कर रही हो क्या? एक्चुअली यस, आज मैं आर्यन के साथ डेट पे जा रही हूँ। राज, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। बाय। हाय रे मेरी किस्मत। ओह गॉड, राज। राज, परी मैं आर्यन हूँ। राज का मास्क पहनकर आया हूँ, कहो तो मैं उतार दूँ? नहीं रहने दो, इतना भी बुरा नहीं है। जल्दी से मुझे अंदर बुला लो वरना वो राज आ जाएगा आर्यन का मास्क पहनकर। हाँ मान, बोल यार, तू हमेशा गलत टाइम पे फोन करता है। बोल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, एक मिनट। अरे मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? सैंडविच? हाँ, कुछ भी। अभी लेकर आती हूँ। अरे अरमान, तेरा दिमाग खराब हो गया है। जस्सी के साथ डिनर पे जाएगा तू? अरे इतने बुरे दिन नहीं आए तेरे यार, अपनी दिवाली खराब करेगा क्या तू? एक्सक्यूज मी, मैं एक कॉल लेके एक मिनट में। शो बेटा। हाँ परी, बोल। मलिका, वेरी बैड न्यूज। क्यों, क्या हो गया? अरमान जस्सी को डिनर पे लेके जा रहा है। व्हाट रबिश। तुझे कैसे पता? मैंने राज का फोन से फोन बात करते हुए सुना है। मालिका, क्या हुआ बेटा? अरमान आज डिनर पे नहीं आएगा। क्यों? मालिका बेटी सब ठीक तो है ना? अरमान उस जस्सी को डिनर पर ले जा रहा है। What? बेबे अब ना मुझे रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे पता है मैंने क्या करना है। फिलहाल मुझे एक काढ़ा पीना, ये सब तेरे काम की टेंशन की वजह से हुआ है। अच्छी भली थी, अब कल सबसे जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलना है। डॉक्टर? अरे डॉक्टर की क्या जरूरत है, ये काढ़ा ही काफी है। ऐसी ऐसी बूटियां मिलाई है मैंने कि पलक झपकते ही बुखार छू हो जाएगा और कल शाम तक देखना भगड़ा करने लगेगी जस्सी। हाँ आप शाम की बात कर रहे हैं, मुझे कल सुबह सुबह ऑफिस जाना है। अरे चुप। अरे बेबे अगर नहीं गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लो। मुझे अरमान सर से बहुत जरूरी बात करनी है। बाबा जी प्लीज मुझे जल्दी ठीक कर दो ना। तेरे बाबा जी तो तुझे 5 मिनट में ठीक कर देंगे, लेकिन तेरे पापा तुझे 5 दिन तक ऑफिस नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। लेकिन पापा जी मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। क्या बेटा तुझे रो कौन रहा है, लेकिन 5 दिन के बाद Hey guys. आप लोग प्लीज अरमान से कुछ मत कहिएगा प्लीज। Don't worry sweetheart, इत्मीनान से क्लास लूंगा उसकी। Hey dad. Beta, how are you doing? Good. Hi mama. Hey gorgeous. Dad और mom को airport चलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। You know you're such a doll. इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वो मेरे भी कुछ लगते हैं। और बहुत ही जल्द कुछ और भी लगने वाले हैं, समझे बेटा? लेकिन उससे पहले तुम्हारी खबर लेनी है। लगता है मेरे खिलाफ काफी सारी कंप्लेंट्स मिली हैं। डैड रिलैक्स, आपकी कंपनी बिल्कुल सही सलामत है। मालिका अगले हफ्ते 2 बैंक हॉलीडेज और मैं चाहता हूँ हम दोनों आउट ऑफ टाउन जाएं। मैं तुम जगह बता दें, बुकिंग्स मैं करा लूंगा, और चाहो तो परी को बता दें। सॉरी मॉम, सॉरी डैड, आपका बेटा आपके सामने हाजिर है। अब आप उसे पहले सजा देना चाहेंगे या उसके साथ डिनर करना चाहेंगे? डिनर? तुम तो बाहर जा रहे हो डिनर के लिए। नॉट एट ऑल, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि तुम और मैं और तुम आज घर में कुक करते हैं। यू नो समथिंग एक्सोटिक। 1 मिनट, तुम्हें कुछ बनाना भी आता है? हे डैड आप भूल रहे हैं कि मैं एक एक्सीलेंट कुक का बेटा हूँ और एक एक्सोटिक कुक का गुलाम। चलो डैड वाइन देंगे? वाई नॉट? ओके मैं बस चेंज करके आता हूँ। ओके अरे तो है ही, मैं उसकी बातों में क्यों आ गई? तुमने कुछ कहा मालिका? To dear Armaan sir, the chairman of Gulmohar House, this is to inform you that I, undersigned Miss Jasmeet Walia, currently employed with Gulmohar House as a secretary to chairman. कह दो, कर दो। अरमान सर क्या सोचेंगे? तुम रिपोर्ट चेंज कर रही हो या नहीं? नहीं सर। ओके तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरी असिस्टेंट होने का और गुलमोहर में काम करने का कोई हक नहीं। इसलिए सर मैंने फैसला लिया है कि मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे रही हूँ। इस्तीफा? क्या सोच लिया है, क्या कर रही है? जैसे बेबे ठीक ही कहती है, जब तबीयत खराब हो ना तब दिमाग भी खराब हो जाता है। अरमान साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है और इस हालत में मेरा ऑफिस आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं 2-3 दिनों की छुट्टी ले रही हूँ। थैंक यू जसमीत वाली। नॉट फनी नंदू, सामने आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। जैसी मैंने तेरे को ये मंकी कैप पहनकर सोए देखा ना, तो मुझे आइडिया आया, मैं तेरे लिए केले और चने भी लेकर आया हूँ। देख, मैं तो जस्सी छाप दंत मंजन भी लॉन्च करने वाला था। सॉरी नंदू, हंसना चाहते हुए भी हंस नहीं पा रही हूँ मैं। जैसे तो गुलमोहर को चाहते हुए भी उसे छोड़ना चाहती है ना। ये लेटर ऑफिस में दे। क्या ये प्रेम पत्र या त्याग पत्र? दोनों ही पुरानी पिक्चरों के नाम लगते हैं। इसमें मेरा फैसला, तुम बस दे आना। किसको दूं? परी को दूं? परी को तो बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं कौन सा नया जाल बिछा देगा। अरे बिछाने दो, और काश मैं उसके जाल में यूं फंस जाऊं जोर से। ये परी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम ये लेटर अरमान सर को दो। देने को तो दे दूंगा, पर ये तेरा स्टाइल ही है जैसे चिट्ठी बिट्ठी लिखना। तू सीधे सीधे फोन करके बोल देगी तेरी तबीयत खराब है, और जब तू जॉब पर आएगी सब कुछ साफ साफ बता देगी। ना बाबा ना, अरमान सर से तो मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ, उनका गुस्सा बहुत तेज है। वो पहले भी बहुत गुस्सा हुए थे मुझसे, और ये चिट्ठी पढ़ने के बाद तो और गुस्सा हुआ। कहीं वो मुझे गोली से तो नहीं मार देंगे? वो मारे या ना मारे, मैं तुझे जरूर मारूंगी। नानक, मैंने तुझसे कहा था ना कि बच्ची को हंसा, काम की बातें ना कर। बच्ची हंसी नहीं तो मैं क्या करूं बेबे? मैं क्या करूं बेबे? चल तू निकल यहाँ से, चल उठ बेटी, तू आराम कर। हाँ चल निकल। दो भूलना मत, ये चिट्ठी अरमान सर को जरूर दे देना। चल मारना पड़ेगा यार। पहले तूने मलिका को मम्मी और पापा के कहते हुए देखा, फिर तूने मेरे कान भरे, और मैंने परी के कान भरे, और परी ने मलिका के कान भरे। इस बार तो तू मलिका को भी पीछे छोड़ गया यार। आई एम प्राउड ऑफ यू। मलिका को जब पता चला कि मैं जस्सी के साथ डिनर पे नहीं जा रहा हूँ, उसका चेहरा देखने लायक था। इनफैक्ट मम्मी और पापा भी उसका चेहरा देखते रह गए। ग्रेट यार, कम से कम मलिका अपनी चमची परी पे अब यकीन तो नहीं करेगी, और ना ही वो तुम्हारे मम्मी पापा को कंप्लेंट बॉक्स बनाएगी। अच्छा यार, वो जस्सी फ्रंट पे क्या हो रहा है? वहां पे क्या होना है, सुबह 6 बजे से आकर अपने कैबिन में काम कर रही होगी, और फिर बाहर आने के बाद बोलेगी सॉरी सर। तुझे लगता है ऐसा होगा? ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही हो। राज, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। ओके? हाय अरमान। हाँ परी, क्या बात? मैं ये पूछने आई थी कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या कोई काम हो तो? उसके लिए जस्सी अच्छी है, और तुम बाहर अच्छी हो। लेकिन जस्सी तो आज आई नहीं। आई नहीं? ऐसा कैसे? जस्सी, जस्सी। लगता है इसके काम इसके साथ बातें करने लगे। ये तो मैं तुमसे कह रही थी कि आज जैसे ऑफिस आई नहीं, उसने कोई फोन नहीं किया, मैसेज नहीं भेजा, और परसों बोर्ड मीटिंग है ना? मैंने तुमसे पूछा कि बोर्ड मीटिंग कब? एक डिक्टेशन। डिक्टेशन? कैसा डिक्टेशन? पारी, जब सुनोगी तभी तो जानो। हाँ। Are you ready? Yeah. तो जस्टिस पारी। जस्टिस। अगर आज शाम तक आप ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं करती हैं तो? नहीं तो यस सर। परी, ये इंटरव्यू नहीं, डिक्टेशन। सॉरी। हाँ, तुमने कहा था? अगर तुम आज ऑफिस में शाम तक नहीं पहुंची तो? अगर आज शाम तक आप ऑफिस नहीं आते तो फिर आपको गुलमोहर आने की कोई जरूरत नहीं, आपके सारे ड्यूज आके घर तक पहुंचा देंगे। मैं इसे अभी टाइप करके लाती हूँ। अभी अभी एक फोन कॉल, उस लड़की ने मुझे एक फोन कॉल तक दिया। अब फिर याद नहीं यार, रानी और झांसी से तू गुस्सा कैसे हो सकता है यार? अब कुछ हुआ होगा तभी उसे फोन नहीं किया ना। तू फोन कर, उसे पूछ ले बस। मैंने तो कुछ और ही सोचा है, 1 घंटे में अपनी सारी प्रॉब्लम्स छोड़कर वो लड़की यहाँ पे। क्या सोचा तूने यार? देख भाई, इस मामले मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना। क्या? जैसी का लेटर तैयार है, आप बस साइन कर दीजिए, मैं अभी डिस्पैच कराती हूँ। ये क्या है? अगर आज शाम तक जैसी रिपोर्ट नहीं करती है तो शी इज फायर्ड। अच्छा तो ये सोच रहा था दिखाने बारे में, ये सोच रहा था तू। हाँ अच्छा I'm so sorry। अबे चल अब फटी गया तो पूरी खा लेता हूँ यार, दूसरी चीज़ बना लेंगे क्या पता। अकेले में बात करनी तुझसे, अकेले में। नंदू इतनी इतनी जल्दी दे आए। हाँ अरमान से कोई दी ना? हाँ कुछ बोले ना? पढ़ी क्या? मैंने नहीं पढ़ी। तुमने नहीं बुद्धू, तुम कैसे पढ़ोगे? लेटर तो सीध थी। अरमान सर ने पढ़ी क्या? नहीं मेरे सामने तो नहीं पढ़ी, बस मुझसे ले ली और मुझे बोले गो और मैं आ गया। ओ यार वो परी वो तो मेरे गले पड़ गई, मुझसे कहती मुझसे शादी कर लो, मेरी मांग में सिंदूर भर दो, ये वो ड्रामे। मैंने बोला आज नहीं फिर कभी। नंदू तुम ना मुझे हंसा के ही रहोगे, लेकिन पता है मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा है ना, लग रहा अभी फेल हो जाएगा। मेहरबान कदरदान बैठे रहिए, खेल तो अभी शुरू होने वाला है। क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। तू आराम कर, मैं तेरे से बाद में मिलता हूँ। अच्छी नौकरी से रिजाइन करने जा रही थी। देखना इस लेटर को फाड़ने के लिए तो मुझे थैंक यू बोलेगी, जरूर बोलेगी। रॉन्ग अरमान रॉन्ग। जस्सी जैसी हजारों लड़के तुझे नहीं मिलेंगी। 48 घंटे के अंदर तू जस्सी जितनी कमिटेड लड़की कहां से लेकर आएगा यार, सोच। कमिटेड? अगर कमिटेड होती ना तो वहां उस रूम में बैठ के मेरे लिए सेल्स फिगर्स फिक्स कर रही होती। कम से कम एक फोन तो कर सकती थी कि ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। जिस तरह से तूने उसको कल अपनी धमकियों से बुलडोज किया है ना, वो डर के मारे अपने बिस्तर से उठी नहीं होगी। मुझे मालूम है प्रॉब्लम क्या है। जिस तरह की लड़कियां हम पटाने के आदी हैं, जस्सी उस कैटेगरी में नहीं आती, ये प्रॉब्लम है। राज वो मेरे लिए नौकरी करती है, मैं उसके लिए नौकरी नहीं करता। अरे इसलिए तो कह रहा हूं कि वो तेरी नौकरी करती रहे मेरे भाई। इसीलिए तो मैंने उसे टर्मिनेशन नहीं वार्निंग लेटर भिजवाया है। अरे वो कोई दारा सिंह है तो उसको वार्न कर रहा है, धमकी दे रहा है। वो एक सेंसिटिव लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की है, तू भी उससे प्यार से इंटेलिजेंस से काम ले। तेरे में कम है लेकिन तेरे पास तो बहुत है ना, बता क्या करना है। अरे मैंने आज तक तो कोई इंटेलिजेंट लड़की पटाई है जो मुझे पूछ रहा है यार, तू सोचने दे, मुझे सोचने दे। राज मुझे लगता है कि हम लोग अपना सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। देख यार अब कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा तो फिर प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ेगा ना यार, सोचने वाली बात है। राज वो मेरी असिस्टेंट है। देख मामला गंभीर है, इंपॉर्टेंट है तेरे लिए और तेरी चैंपियनशिप के लिए। सोच इस वक्त हमें जरूरत है जस्सी मनाओ अभियान की। जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।